चीन में एक बार फिर से कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। कोविड का खौफ कुछ इस कदर हावी है कि लोग खुद को बचाने के लिए घरों में कैद हो गए हैं, लिहाजा सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। चीन के कई शहर ऐसे हैं जहां कोविड के केसों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। आलम यह है कि कई शहरों में अस्पतालों में एंटीजन टेस्ट की कमी आ गई है, शमशान घाटों पर लंबी कतारें लगी हुई हैं। इतना ही नहीं, एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि चीन को तीन लहरों से अलर्ट रहना होगा, क्योंकि इस दौरान केस में बढ़ोतरी हो सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन में कोरोना की तीन लहर आएंगी, पहली क्रिसमस पर, दूसरी न्यू ईयर पर और तीसरी लूनर न्यू ईयर के बाद। दरअसल चीन की शी जिनपिंग सरकार ने कोविड को लेकर अपनी जीरो कोविड पॉलिसी को देश में तमाम विरोधों के बाद खत्म कर दिया है, जिसके बाद से ही कोरोना के केसों में लगातार इजाफा हो रहा है। जानकारी के मुताबिक चीन के उत्तर से लेकर दक्षिण तक के शहरों में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दें और देखते रहें ओजान टाइम्स।